भारत के इतिहास में ऐसे कई वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्हीं वीर योद्धाओं में से एक योद्धा हैं ग्रेनेडियर कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, जिन्हें मात्र 19 साल की उम्र में अपने अदम्य साहस और बहादुरी के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान योगेंद्र सिंह यादव को कारगिल युद्ध के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर दुश्मन के बंकरों को तोड़ने के लिए प्रदान किया गया। इस दौरान उनके शरीर में 15 गोलियां भी लगी, जिसकी परवाह किए बिना उन्होंने दुश्मन से डटकर सामना करते हुए भारत को युद्ध में विजय दिलाई। योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहिर गांव में हुआ था। उनके पिता करण सिंह यादव कुमाऊं रेजिमेंट में एक सैनिक थे, जिन्होंने 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में भाग लिया था। योगेंद्र सिंह ने अपने पिता से शौर्य और देशभक्ति की भावना सीखी थी। वे बचपन से ही सेना में जाने का सपना देखा करते थे। अपनी पढ़ाई गांव के सरकारी उच्च विद्यालय से पूरी करके 27 दिसंबर 1996 को 16 साल की उम्र में वे 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन में भर्ती हो गए। सन 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध के दौरान योगेंद्र सिंह यादव को अपने कमांडो प्लाटून घातक के साथ द्रास सेक्टर में भेजा गया, जहां उनको टाइगर हिल पर मौजूद दुश्मन के बंकरों को नष्ट करना था। यह एक बेहद मुश्किल और जोखिम से भरा मिशन था, क्योंकि इन बंकरों तक पहुंचने के लिए 1000 फुट ऊंची और 90 डिग्री की ढलान वाली चट्टान पर चढ़ना पड़ता था। साथ ही दुश्मन की भारी गोलीबारी और बमबारी से भी बचना पड़ता था। 4 जुलाई 1999 को इस कार्यवाही के दौरान अपनी सूझबूझ और पराक्रम से योगेंद्र सिंह यादव ने अपने साथियों के साथ दुश्मन के सभी बंकरों को नष्ट करते हुए टाइगर हिल पर विजय पताका लहरा दी। अपने इस पराक्रम के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र को प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव देश के सबसे युवा सैनिक हैं, जो उन्हें सन 1999 में तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन द्वारा प्रदान किया गया। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव की शौर्य गाथा हमें यह सिखाती है कि देश के लिए कुछ भी करने की कोई उम्र नहीं होती, बस होना चाहिए कुछ कर गुजरने का जज्बा और अपने देश के लिए प्रेम और समर्पण की भावना, जिसने इस माटी के लाल को एक प्रेरणा, एक आदर्श बना दिया है।